सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सिविल गुरुजी के इस प्लेटफॉर्म पे। इंजीनियर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम फिर से आ चुके हैं साइट पे। आप देख रहे हैं यहाँ शटरिंग का काम चल रहा है, यहाँ प्रॉप्स लगे हुए हैं, यहाँ पास हमारी प्लाईवुड की शटरिंग लगी हुई है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। हमारे इंजीनियर्स की क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस की क्लास चल रही है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। आज जो ये पढ़े हैं क्लास में सीखे हैं, वो सीखे हैं शटरिंग के बारे में। जब हम साइट पे जाते हैं तो हम हर चीज़ को शटरिंग बोलते हैं, चाहे वो सेंटरिंग हो, चाहे वो शटरिंग हो, चाहे वो स्टेजिंग हो। ऐसा क्या होता है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता। हालांकि ये सब फॉर्म वर्क के अंदर आता है। फॉर्म वर्क के तीन टाइप होते हैं, सेंटरिंग, शटरिंग, स्टेजिंग। स्टेजिंग के अंदर जो होता है वो स्कैप फोल्डिंग आता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सो इंजीनियर, चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारे इंजीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं। एक साइट पर आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, क्या कर रहे हो इंजीनियर आप? शटरिंग के बारे में सीख रहे हैं, है ना? तो शटरिंग को क्या बोलते हैं? शटरिंग को जरा फॉर्म वर्क बोलते हैं। फॉर्म वर्क बोलते हैं। हमारा सारा आता है कि शटरिंग आता है, सेंटरिंग आता है और स्टेजिंग आता है। बिल्कुल। तो इसमें शटरिंग क्या होता है राहुल? सर, शटरिंग हमारा वो पार्ट होता है जिसमें सर हमारी वर्टिकल, जितने भी वर्टिकल में हमारा शटर लगेगा वो हमारा शटरिंग। बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं कि वो कॉलम है। आ जाएं कैमरे में आप लोग भी आ जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कॉलम में शटरिंग लगी होगी, लगी होगी कि नहीं? इसमें कास्टिंग करने के पहले इसको हम क्या बोलेंगे? शटरिंग बोलेंगे। सेंटरिंग किसको बोलते हैं? हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट में लगा। आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं, जो देख रहे हैं आप स्लैब में हॉरिजॉन्टली लगा, उसको क्या बोलेंगे? सेंटरिंग। शटरिंग यह है जो कॉलम में वर्टिकली लगेगा और जो आपके ऊपर स्लैब में, देखो स्लैब पे बीम के बॉटम जो लगे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? सेंटरिंग बोलेंगे। और एक होता है, क्या पढ़ा? तीसरा स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या होता है? सर, ये हम लोग जो जो आप देख रहे हैं, जो हम प्रॉप्स लगाए हैं, जो बल्ली लगाए हैं, इसको सब स्टेजिंग बोलते हैं। फिर एक चीज और पढ़ा है, स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? सर, जिसपे हमारे लेबर लोग मतलब खड़े रह के काम उम करते हैं, वही उसी को स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। मतलब जब आप देखे होंगे जनरली, जब हम प्लास्टर का काम करते हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम बाहर क्या, हमारे लेबर आउटर से प्लास्टर करते हैं तो वो चाली लगते हैं, वुडन का बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। तो आई होप आप लोग को भी समझ में आया, जो वर्टिकल लगता है उसको क्या बोलेंगे? शटरिंग बोलेंगे। जो हॉरिजॉन्टल लगेगा सेंटरिंग बोलेंगे। जो ए लगे हैं सपोर्ट करने के लिए सेंटरिंग, उसको क्या बोलेंगे? स्टेजिंग बोलेंगे, स्टेप फोल्डिंग। तो कभी भी आपको ए नहीं बोलना है कि मैं शटरिंग देखने जा रहा हूँ। फॉर्म वर्क के टाइप होते हैं, सबसे पहले ये चीज आपने देखा। इसके बाद हम जानना चाहूंगा राहुल से कि राहुल सर, जो आप देख रहे हो ये कौन से प्रॉप्स है? एमएस के प्रॉप्स है। एमएस के प्रॉप्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए? एमएस के प्रॉप में सर हमारी 900 से 1200 के बीच में। 900 से 1200 के बीच में। और ये वुडन प्रॉप्स होते हैं, वुडन प्रॉप्स किसको बोलते हैं? मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन इधर दिखाएं। ये देखिए वुडन का है, देख रहे हैं वो वुडन है। तीन दोनों वुडन प्रॉप्स के बीच में कितना रहेगा? सर, वुडन प्रॉप्स के बीच में हमारा 600 से 800 स्पेसिंग रहता है। 600 से लेके 800। यदि मैं एमएस की बात करें तो एमएस सर 900 से 1200। 900 से 1200 ये स्टैंडर्ड, हमको चेक करना। इसमें और क्या गलती किया आप देखो, ए नहीं लगाना चाहिए। ये जो हिल रहा है, आप सोचो इसमें जब ऊपर से लोड आएगा तो क्या होगा? अनडुलेट होगा सर, बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा, हमारी शटरिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि गलती से ऐसे हिल जाएगा। देखो ये क्या है, ए हमको गलती नहीं करवाना है, ठीक है? दूसरी गलती इन्होंने क्या किया है, एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखें ब्रिक, इस ब्रिक को देखें आप, मैं कैमरामैन को चाहूंगा इस ब्रिक को दिखाएं कि इस ब्रिक में आप देख रहे हो, ये ब्रिक में ज्यादा लोड आएगा यहाँ पर तो क्या होगा? ब्रिक क्या होगी? कोलैप्स, क्या हो जाएगी? क्रैक आ जाएगा। और ये हमारा जो हमारा स्लैब वो क्या हो जाएगा? बेंड होने के चांस हो जाएगा, वहाँ पास से फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया? सबसे पहले हमने चेक किया कि भाई जो शटरिंग है ये पूरा 90 डिग्री में खड़ी रहे, वर्टिकल ऐसे अपन इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा फेल होने के चांसेस है। दूसरा हमने क्या सीखा कि देखें और जो शटरिंग है उसके नीचे ब्रिक लगी है, वो भी गलत है यार, वो भी गलत है, उसमें भी क्रैक्स आता है ना। एक चीज़ में एक क्या चीज़ है यार, साइड पे मैंने देखा, इसको क्या बोलते हैं हम? ये प्लम्ब बोलते हैं, आप लोग भी देख लो साइड पे प्लम्ब, अब इसी को बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? हॉरिजॉन्टली मापते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली हम चेक करते हैं, ठीक है ना, कि सही है कि नहीं है, सीधा है कि नहीं है ना। और क्या चेक करते हैं साइड पे? इसके साथ हम चेक करेंगे,
एक प्लाई कितने की आती है? 1220 बाई 2440। एक प्लाई जो आती है 1220 बाई 2440। अच्छा बैटन क्या बोलते हैं, किसको बैटन बोलेंगे? मैं कैमरा मैन से चाहूंगा, ये देखो प्लाईवुड में जो ये लगे है ना, इसी को हम रनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रनर। क्या बोलते हैं? रनर या बैटन। क्यों लगाते हैं? ताकि सपोर्ट में रहे और हमारे जो इसमें नेल्स मारे, नेल पड़ के आओ ना तो उसमें ना जाए डायरेक्ट, बैटन के सपोर्ट में रहे। ये भी चेक करेंगे और क्या इनमें चेक करेंगे? सर हमारी जो प्लाईवुड है वो 4 से 5 बार यूज। हाँ बहुत शानदार। देखो इन्होंने बोला सर को बहुत शानदार। सर आप, हम देखते हैं कि हमारी जो प्लाईवुड है वो एज पर स्टैंडर्ड 4 से लेके 5 बार के बाद नहीं यूज करना चाहिए, मिनिमम 4 से 5 बार यूज करना चाहिए। किस केस में? प्लाईवुड के केस। प्लाईवुड के केस में यदि ये एमएस स्टील होती तो, एमएस की जो सेटिंग होती तो 40 टाइम, यदि ये पास माईबान होती तो 80 से 90 टाइम। हाँ तो हम ये देखते हैं ठेकेदार चिठड़े उड़ जाते हैं जब तक यूज करता। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ यहाँ पास आ जाए कैमरा मैन। जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये प्लाईवुड, आपको क्या लगता है कितनी बार यूज हुई होगी ये प्लाईवुड? ये देखो सर हालत खराब हो चुकी, समझ फिर भी यूज किया जाता है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है वो हमें 4 से 5 बार से ज़्यादा प्लाईवुड नहीं यूज करनी है। इतना समझ में आ गया क्या? बैटन क्या होता है समझ में आया? आप लोग क्लास में कैलकुलेशन किए हो उसमें से कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं डाउट है? क्या होता है प्रॉप्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने प्रॉप्स लगते हैं? और हमने ऑयल भी सीखा है कि भाई कौन सा ऑयल बोलते हैं उसको, ये हमारा डिसट्रक्टिंग ऑयल भी बोलते हैं, है ना, डिसट्रक्टिंग ऑयल बोलते हैं। क्यों मारते हैं? कंक्रीट की फिनिशिंग। हाँ कंक्रीट की फिनिशिंग हो जाए। और साथ ही साथ हम ठेकेदार जो होता है ना वो समझ नहीं पाता, यदि वो डिसेटिंग ऑयल लगाएगा तो उसकी जो सेटिंग है वो ख़राब नहीं होगी प्लाई पर। ठेकेदार टाइम बचाने के चक्कर में डिसेटिंग ऑयल कई बार नहीं लगाता, उसमें मेरा भी नुकसान है और उसका भी नुकसान है, इसलिए हमें डिसेटिंग ऑयल लगाना चाहिए। कितना लगाना चाहिए बताओ आप लोग? डिसेटिंग ऑयल सर 1 लीटर 10 स्क्वायर मीटर, मतलब 1 लीटर जो डिसेटिंग ऑयल है 10 स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर करता है। नेल्स, नेल्स भी लगाएंगे? नेल्स कैसे लगाएंगे? 0.3 से 0.4 kg पर स्क्वायर मीटर। अच्छा मतलब पर, जैसे इसको मेजर किए पर स्क्वायर मीटर में कितना, 0.3 से लेके 0.4 kg। इसको मैं ग्राम में बात करें तो 300 से लेके 400 ग्राम तक का क्या लगता है, नेल्स लगता है ना। ये चीज़ है, हमने रेट एनालिसिस भी किया, हमने मेसन का रेट देखा, हमने जो एक फिटर होता है उसका भी रेट देता, वहाँ से हमने पता चल गया कि कितना पैसा लगने वाला, ठीक है ना। और भी कुछ जानना चाहोगे क्या इसमें? यदि जानना चाहते हो पूछ सकते हो कुछ भी। बैटन जो लगता है इसका मतलब स्पेसिफिक? हाँ देखो ये जो बैटन लगे हैं, दो बैटन आप देख रहे हो, जनरली हम दो बैटन के बीच की स्पेसिंग 900 लेते हैं। कितना लेते हैं? 900 mm। दो बैटन के बीच की स्पेसिंग 900 mm। आप लोग के डाउट था कि सर जो हमारी प्लाई होती है वो आपने बताया कि 1200 से लेकर 2400 होती है, तो बैटन तो 2400 में लगाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, बैटन प्लाई के बीच में लगा होता। देखो ये देख रहे हो क्या, बैटन जो है एक प्लाई के बीच में भी लगा है, ज़रूरी नहीं है कि जितनी प्लाई वहीं पास लगा। तो बैटन जो है वो 900 स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पर दो बैटन के बीच में जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 900 है। और कोई जानना चाहोगे कुछ डाउट है क्या इसमें आपके? और सर इसमें जैसे जो हमारे दो प्लाईवुड लगे हुए हैं, हाँ तो उसमें हमको गैप दिख रहा है। हाँ इसके लिए हम क्या करेंगे, टेप लगाएंगे। टेप लगाते हैं, कार्टून आते हैं जिसमें हम सामान लेके आते हैं उसको लगा देते, जनरली हम टेप लगाते थे है ना, ताकि स्लरी वहाँ से पास ना हो। इसमें कोई डाउट तो नहीं है सेटिंग में किसी भी प्रकार का, कि हमको क्या क्या चेक करना है साइड पे, कितनी स्पेसिंग होगी? सो इंजीनियर्स आपने जैसा देखा कि ये सब चीज़ें आपको भी ध्यान देनी होती है जब आप जाते हो साइड पे, ठीक है ना, कि क्या होती है सेंटरिंग, क्या स्पेसिंग होती है। यदि आप भी ऐसा चाहते हो कि हम साइड पे जाके चीज़ों को सीखे, इतना पैसा आ रहा है उसको निकालना सीखे, क्योंकि एक ठेकेदार होता है, ठेकेदार के पास BOQ आता है पर उसको अपना रेट डालना होता है ना, तो वो जब निकालना सीखेगा तभी तो डाल पाएगा। तो आप लोग निकाल पाओगे क्या सब कुछ? कोई डाउट तो नहीं है? नो, तो सो इंजीनियर सर आप भी चाहते हो ऐसे फुली प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करना, काउंसलर टीम का नंबर है 9111001234, इस नंबर पे कॉल करें। यदि कोई डाउट होता है तो इसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो। हमारी अभी 1 जून का बैच अभी खाली है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पर हो सकता है आपके लिए 1 और 2 दिन का मौका है, क्योंकि हम लोग एक बैच में लिमिटेड बच्चे रखते हैं,
क्योंकि हम सिखाते हैं पढ़ाते नहीं हैं। सो इंजीनियर्स, अब हम अपनी वीडियो को एंड करना चाहेंगे एक प्यारे से स्लोगन के साथ। करना कुछ खास, चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। सो इंजीनियर, चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।